हाय गाइस, अमिता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए आज हम देखते हैं कि मेरे चैनल को किस प्रकार से देखा जा सकता है और मेरे चैनल से क्या क्या चीजें किस प्रकार से सीखी जा सकती हैं। गाइस, मेरा चैनल जो है और मेरी वीडियोस जो हैं एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। मैं एक्सपर्ट्स के लिए काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें जरूरत नहीं होती है सीखने और जानने की। मैं उन्हीं के लिए काम कर रही हूँ जो लोग नहीं जानते हैं, इंटेलिजेंट हैं लेकिन जानते नहीं है कि काम कैसे किया जाता है या कंप्यूटर उन्होंने सीखा ही नहीं है, बिल्कुल बिगनर्स हैं। तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियोस दे रही हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक वीडियोस ही प्रोवाइड करती हूँ। तो वो लोग जो ये नहीं जान पाते कि मेरे चैनल पे मेरी सारी वीडियोस को कैसे देखा जाए, उन लोगों के लिए मैं बिगनिंग से अपनी वीडियो तैयार करती हूँ और वो लोग मुझे देखें कि मेरे चैनल की सारी वीडियोस को कैसे देखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रही हूँ। दूसरी एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के लिए वाली बात है कि उनकी जो डिमांड आती है, नई नई अलग अलग जो डिमांड होती है, मैं उनके अनुसार सारी वीडियोज नहीं अपलोड कर पाती हूँ। मेरी प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताई दी है, आप उसको देखें, शायद आपको समझ में आएगा। तो उनके लिए मैंने, या और जिनकी अलग अलग डिमांड होती है उन लोगों के लिए मैंने मेरी कुछ मेरे चैनल में कुछ वीडियोस दूसरे लोगों की, या कुछ प्लेलिस्ट दूसरे लोगों की, या कुछ चैनल्स जो है दूसरे लोगों के ऐड किए हुए हैं, आप उनसे वो चीज सीख सकते हैं। तो यदि आपको वो आपके लिए वो इनफ हो कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए थी और इनसे हमें मिल गई, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, किसी भी मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करके आप ये लिख दें कि हाँ ये वीडियो आपके लिए, आपका इससे काम हो गया है। और यदि नहीं हुआ है तो कि आप नहीं मैडम, आप दूसरी वीडियो हमें इसके लिए आपके द्वारा बनाई हुई है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स में देखती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स बहुत एनकरेज करते हैं और इसीलिए मैं अब वापस कोशिश दोबारा कर रही हूँ एक बार फिर से बहुत सारी वीडियोस बना के आप लोगों के लिए देने की। एक लंबे समय से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से, लेकिन अब मैं इसीलिए वापस शुरुआत कर रही हूँ। तो आपके व्यूज और आपके कमेंट्स मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, इसलिए प्लीज मुझे जो भी प्रॉब्लम उसके लिए कमेंट जरूर दें कि आप इस वीडियो से ये समझ पा रहे हैं या नहीं, या मीन्स दूसरे की जो वीडियो है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि ये वीडियो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप चाहते हैं कि मैं ही आपको उसमें की वीडियो बना के दूँ, ये आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ कमेंट देखना भी बताऊंगी और कमेंट लिखना भी बताऊंगी और सब्सक्राइब करना भी बताऊंगी, वो सारी डिटेल मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो जो न्यू है उनके लिए भी ये है, बिगनर्स जो है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, और जो जो लोग मेरे चैनल को देखते रहते हैं, जो लोग मेरे चैनल की सारी वीडियोस को देखते हैं, उससे कुछ ना कुछ उन्हें अगर लगता है कि उन्हें कुछ मिलता है, तो उन सभी लोगों के लिए भी मेरी ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि मेरे चैनल को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, यानी देखा जा सकता है, किस प्रकार कमेंट किया जा सकता है, कौन सी वीडियो किस क्रम में देखनी चाहिए। तो मैं ये बताने जा रही हूँ अभी। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपको कंप्यूटर बिल्कुल बिगनिंग से सीखना है, आप कंप्यूटर ही स्पेशली सीख रहे हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी, आपने इससे पहले कंप्यूटर कहीं नहीं सीखा है, बस थोड़ा बहुत खुद ही दन फन कर लेते हैं, तो फिर आपको सबसे पहले मेरी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट को देखना चाहिए और सबसे पहले उसकी आप सारी वीडियोस देख लें, नहीं तो कम से कम पहली वीडियो को आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो फिर आपको काफी कुछ नॉलेज हो जाएगी और फिर आप आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो काम में आता है वो इंटरनेट है आज की तारीख में। तो जब आप मेरी वो एक वीडियो देख लें, और एक वीडियो और है जो प्रैक्टिकल है स्टार्टिंग से और कंटिन्यू में प्लेलिस्ट है, सेकंड नंबर पे आप उसको देखें, ताकि आपको कंप्यूटर अगर बिल्कुल बिगनर्स हैं, स्टार्ट करना नहीं आता है, काम करना नहीं आता है, क्या क्या कम कर सकते हैं वो सब सीखना है, तो आप वहां से सीखें। और थर्ड नंबर पे आप मेरी
इंटरनेट की वीडियो यानी इंटरनेट की प्लेलिस्ट को देखें और उसकी भी आप दो या तीन वीडियोस को स्टार्टिंग में जरूर देखें। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले फंडामेंटल की एक या दो तीन प्लेलिस्ट, मगर एक फंडामेंटल की प्लेलिस्ट की एक वीडियो, फिर आप प्रैक्टिकल स्टार्टिंग टू और सोन यानी स्टार्टिंग से कंटिन्यू उसकी वीडियो को देख सकते हैं, उसकी भी आप दो वीडियो भी देखेंगे तो काम हो जाएगा। और फिर थर्ड नंबर पे आपको इंटरनेट की वीडियो देखनी है, यानी जो इंटरनेट की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आपको उसको देखना है। बाकी इसके अलावा जो मेरी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस आवश्यक हैं। आप उनको जब आप इन्हें देख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और आप फिर आप क्रम भी, अगर आप कंप्यूटर ही सीख रहे हैं तो यही क्रम रखें, सबसे पहले फंडामेंटल की प्लेलिस्ट को पूरी करें, फिर आप प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट को पूरा करें और फिर आप जो है इंटरनेट की प्लेलिस्ट को पूरा करें। अगर आप कोई कोर्स पर्टिकुलर कर रहे हैं तो आप इनको पूरा करें, और नहीं तो आपकी आवश्यकता के हिसाब से अगर आपको काम करना है कि मुझे तो इतना काम आना चाहिए तो फिर मेरी प्लेलिस्ट ही, जैसा कि मैंने बताया, फंडामेंटल की एक वीडियो और प्रैक्टिकल स्टार्टिंग टू सो ऑन की एक या दो वीडियो, और तीसरे नंबर पे इंटरनेट की मेरी सारी वीडियोस आपका काम कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको क्रम बताया है, ऑर्डर बताया है कि किस प्रकार से बिगनर्स मेरी वीडियोस को सुने, कौन सी पहले सुननी चाहिए और कौन सी नहीं सुननी चाहिए। बाकी सब वीडियोस जो लोग समझते हैं, जिनको पर्टिकुलर उसी चीज की आवश्यकता है, जैसे जो लोग कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमें एमएस ऑफिस सीखना है, बाकी चीजें हमें आती है, तो वो एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जिनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो लैंग्वेज वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों अभी बहुत कुछ मुझे डालना बाकी है, अभी मैं सब कुछ नहीं डाल पाई हूँ, तो आइए अभी फिलहाल हम देखते हैं कि मेरे चैनल में ये सब चीजें कैसे देखी जाएंगी और कैसे सब्सक्राइब करेंगे, कैसे कमेंट देंगे और मैंने कमेंट दिया है इसको कैसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए मेरा चैनल खुला हुआ है लेकिन मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर रही हूँ। और आइए देखते हैं, यहाँ देखिए आप गूगल नीचे की तरफ आप डेस्कटॉप पे आइकन देख रहे हैं, गूगल क्रोम लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया है और ये गूगल क्रोम खुल गया है। लेकिन गूगल क्रोम में मेरी वेबसाइट गूगल क्रोम नहीं खुली, गूगल नहीं खुली है, google.com नहीं खुली है। तो यहाँ पे मैं google.com लिखूंगी, आप देख सकते हैं, और मैं एंटर कर दूंगी तो ये google.com आपके सामने आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, मेरा नाम नीता शर्मा बारा है और मेरे चैनल का नाम भी नीता शर्मा है, लेकिन नीता शर्मा बहुत सारी है इसलिए दोस्तों मैंने मेरी जो स्पेलिंग है, और आप लोग ध्यान से देखें, और इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे बारन लगाया हुआ है। वैसे भी मैं बारा की हूँ इसलिए भी मैंने अपनी पहचान आगे लगाई है बारा नाम से। तो नीता आप देख सकते हैं, SHARMA नीता शर्मा, और देख सकते हैं आप बारन मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, आप लिख भी सकते हैं पूरा। तो देखिए दोस्तों ये सभी मेरे ही चैनल का लिंक आया है, क्योंकि मेरी वीडियोस YouTube पे है इसलिए सीधा अपने आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे YouTube लिखा हुआ रहा है, इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल डायरेक्ट खुल जाएगा आपके सामने। इसके अलावा इस पे जाएंगे तो आप Google Plus का मेरा वो खुले आईडी खुलेगी या पेज खुलेगा, तो आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं। लेकिन आपको स्पेशली अभी ये नहीं खोलना है, क्योंकि आप मेरे वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब वाले चैनल पे जाके देखें, यानी इस पर क्लिक करें। देख सकते हैं आप, ये भी मेरी ही फोटोज हैं, मेरे से रिलेटेड ही फोटोज हैं ये सारी। तो ये जो है ये मेरी फेसबुक की है, ये भी मेरी ही है ट्विटर की। देखिए आप, लेकिन आपको यहाँ पे अभी कहीं नहीं जाना है, ये सब मेरी ही है इनमें लगभग, पर आपको अभी इनमें से किसी पे नहीं जाना है। आपको जाना है, ये सभी मेरी है, केवल ये मेरी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी स्पेलिंग आपको बताई है NEETA। तो ये मेरा चैनल है, अभी मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो है इमेजेस है, मुझे इमेजेस नहीं देखनी है अभी, मुझे मेरे चैनल पे जाना है या आपको मेरे चैनल पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा एक तरीका और है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ये मेरा चैनल खुल जाएगा। ये मेरा चैनल आप लोगों के लिए खुल चुका है सामने, आप यहाँ से मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप मेरी वीडियोस को देखेंगे।
लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मेरा चैनल अभी खुल चुका है, यहाँ देखिए ये मेरी सारी वीडियोस जो है यहाँ पे आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जिस प्रकार से ये वीडियो आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक ये देखिए आप एक एरो दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब कि इस लिस्ट में आगे की तरफ वीडियोस और हैं, तो आप उनको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, और इनमें से जो भी आपको देखनी है उस पर क्लिक कर देंगे आप तो वो प्ले होने लगेगी। ये व्यू ऑल जब आप करेंगे तो पूरी और भी है इसके अंदर, वो पूरी नीचे की तरफ आने लगेंगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये मैंने व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया है, तो देखिए ये मेरी सारी जो वो पहली जो प्लेलिस्ट थी, ये मैं जो भी अपलोड करती हूँ उसकी प्लेलिस्ट है कि ये नई कौन सी अपलोड की है। तो ये देखिए आप, ये सारी अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी, साइड का बटन जो है यानी एरो की से डाउन एरो की से आप कर सकते हैं, यदि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो क्लिक के साथ और पैड को पे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। देखिए आप, ये मेरी सारी वीडियोस जो है उस प्ले लिस्ट में अपने आप आ रही हैं। देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, एरो की से धीरे धीरे आप डाउन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब ये लोड मोड आ रही है, तो यहाँ पे आप लोड मोड करेंगे, यानी अभी और भी हैं बहुत सारी, तो देखिए मैंने लोड मोड किया है, तो देखिए नीचे की तरफ मेरी और वीडियोस आ गई हैं। आप अपने लैपटॉप की डाउन एरो की को प्रेस करें, आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि मेरी कितने सारी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। इनके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वीडियो किससे संबंधित है, तो आपको जो भी चीज पर्टिकुलर जिनको चाहिए तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर लें। तो इस प्रकार से आप मेरी वीडियोस को पहले ये देख सकते हैं कि सारी वीडियोस को किस प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है, या देख सकते हैं आप अभी, और देखिए आप लोड मोड आ रहा है, तो आप फिर लोड मोड करेंगे और इस प्रकार से जब तक ये लोड मोड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप इसको करते चलें, ताकि आप मेरी सारी वीडियोस को एक बार यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली हुई हैं और कौन कौन सी आपके काम की हैं। देख सकते हैं आप, अभी भी लोड मोड चल रहा है। देखिए आप, इस प्रकार से आप और अधिक बढ़ेंगे और मेरी वीडियोस जब खत्म हो जाएंगी तो फिर नीचे लोड मोड नहीं आएगा, वो कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पे लोड मोड नहीं है, इसका मतलब लोड मोड बटन नहीं आ रहा है, लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं। आप इनमें से सामने की तरफ लिखा हुआ है जो वीडियो देखना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये अभी आपने मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से मेरी सारी वीडियोस को आप देखें, आपको ये पता लगे कि कौन कौन सी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और जो है बताने जा रही हूँ, वो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, पर फिलहाल मैं अभी इसी में एक चीज और बताती हूँ कि यहाँ से जैसे ही मैं एक दूसरा तरीका और है जहाँ से मैं अपने चैनल पे, यानी आप लोग मेरे चैनल पे आ सकते हैं, जैसे कि अपन गूगल पे गए थे उसी प्रकार से स्टार्टिंग में हम youtube.com भी खोल सकते हैं, और वहां से नहीं खोला है तो हम यहाँ भी, जैसे मेरा ये एक टैब खुली हुई है इसको टैब बोलते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, ये दूसरी टैब हमारी यहाँ खुल के आ जाएगी। देखिए आप, ये देखिए न्यू टैब लिखा हुआ आया था, ये हमारी दूसरी टैब खुल के आ गई है। यहाँ पे यूट्यूब लिख लें दोस्तों, यूट्यूब विश्व की सबसे बड़ी विजुअल वेबसाइट है, जहां से आप सब कुछ देख कर सीख सकते हैं। आपको आपके स्कूल में जिस प्रकार से क्लास टीचर्स पढ़ाते हैं या क्लास टीचर्स बताते हैं, या जो भी प्रैक्टिकल या पिक्चर टॉकीज में जाके जिस तरह से देखते हैं, उस तरीके से सभी कुछ यहाँ पे विजुअल आप देख सकते हैं। आपका पर्सनल भी मैटर आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपके चैनल बना के। धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगी और आपको अच्छे से ये सर्च करना बताऊंगी ताकि आप खुद ही ये सब काम कर सकेंगे। तो देखिए मैंने अभी youtube.com खोली है, और यहाँ पे भी मैं वही अपना नाम टाइप कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे ढूंढना चाहते हैं। तो देखिए NEET नीता शर्मा, और बारन ही मुझे लिखना है क्योंकि मैंने अपनी पहचान इसी नाम से बनाई भी है। देख सकते हैं आप, नीता शर्मा बारा यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ये वाली वीडियो मेरी है, ये भी वीडियो मेरी है, ये मेरी नहीं है, स्पेलिंग इनकी भी यही है, लेकिन ये जो वीडियो है ये मेरी है। आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो
तो पहले आप यहाँ से मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे। ये देखिए आप, ये मेरे चैनल पे आप पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ से भी आप इस प्रकार से खोल सकते हैं। देखा आपने कि आप किस प्रकार से मेरे चैनल को दो जगह से खोल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पहुंच सकते हैं और मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखिए आप कि अभी जब मेरे मेरा चैनल आपके सामने खुला है या मैं इसको वापस बैक करती हूँ, तो ये देखिए कि मान लीजिए मैंने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया। आप नहीं जानते हैं इसलिए आपको नहीं पता कि कौन सी है नीता शर्मा, तो आपने भी आप नहीं पहचाने, इसमें फोटो अक्सर चेंज होते रहते हैं तो आप नहीं पहचान पाते हैं और आपसे कहीं और क्लिक होता है, जैसे आप पर्टिकुलर इस वीडियो पे क्लिक कर पाए हैं। तो आपने जब ये यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरी वीडियो खुल गई है, लेकिन मेरा चैनल नहीं खुला है। अब मेरी सारी सारी वीडियोस जो है आपके सामने नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप मेरे यहाँ, तो अब दूसरी सारी वीडियोस आने लगी है, तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी, यानी वो जो चैनल पे इतनी सारी वीडियोस थी वो सब गायब हो चुकी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आपको ये करना होगा कि अब मुझे यहाँ से नीचे की तरफ मेरी वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं आप, इस पे से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख सकते हैं अभी मैंने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया है, ये कुछ प्रोसेस हो रहा है। आप अभी देखेंगे कि जब मैंने सब्सक्राइब किया है तो ये देखिए इसने पता नहीं क्या दे दिया। अब जो लोग जानते हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। तो सब्सक्राइब मीन्स होता है ग्राहक बने, ग्राहक मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप पैसे देके ग्राहक बने, लेकिन यहाँ पे ग्राहक बनने का मतलब ये है कि जब भी मेरी कोई वीडियोस आपके पास आएंगी तो आप तुरंत आपको पता लग जाएगा, जब भी मैं अपलोड करूंगी नई वीडियो तो आपको पता लग जाएगा, आपकी जो आईडी है आपकी जो पहचान है उस पर अपने आप मेरी वीडियो का मैसेज आ जाएगा कि नीता शर्मा बारह ने एक नई वीडियो अपलोड करी है, तो आप तुरंत मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो होता है ग्राहक बनना, सब्सक्राइब करना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको साइन इन होना जरूरी है, यानी आपके पास एक पता होना चाहिए ताकि मुझे ये खबर मिल सके कि ये व्यक्ति मेरी वीडियोस को देखना चाहता है। तो इसके लिए आपके पास गूगल पर या किसी पर भी आपकी एक आईडी होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं मेरी आईडी है nita674@gmail.com, जैसे आप और देख रहे हैं madrocomputers@gmail.com, इस प्रकार से आपकी आईडी भी होगी। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि अभी हम साइन इन है या नहीं, अभी तो देखिए आप साइन इन नहीं है, क्योंकि यानी मैं जब ये कर रही हूँ तब आप साइन इन नहीं है, क्योंकि मेरे सामने यही मैसेज आया है कि आपको यूट्यूब मेरा चैनल खोलना है या मेरी सब्सक्राइब करना है, मेरे ग्राहक बनना है, नीता शर्मा के ग्राहक बनना है। तो यहाँ से आप आईडी चूज करें, चूज एन अकाउंट, एक अकाउंट चूज करें, एक खाता चूज करें कि आपके खाते का नाम क्या है, जिस खाते से आप मेरी वीडियोस को हमेशा प्राप्त करते रहना चाहते हो, मेरी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन चाहते हो कि मेरी वीडियो जब भी आए आपको खबर मिल जाए, तो उसके लिए तो मैं यहाँ से देखिए मैं इस प्रकार से मैं किसी भी मान लीजिए मैं इस से मैं क्लिक करती हूँ और मेरा पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो ये मेरा मैं अब साइन इन हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे आइकन आया हुआ है, मैंने अपनी दूसरे चैनल से साइन इन किया है, दूसरी आईडी से साइन इन किया है। ये मेरा एक और चैनल है जो बनाया तैयार कर रही हूँ और इसके लिए मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। तो ये देखिए मुझे इससे पता लग रहा है कि मैं यहाँ से साइन इन हूँ, यानी आपको आपका पता लग जाएगा। आप गूगल क्रोम पे या यूट्यूब पे जब यहाँ देखेंगे यहाँ आपका फोटो आ रहा है या कोई आइकन आ रहा है स्पेशली, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति साइन इन है।
आपकी आईडी से साइन इन है तो आपका फोटो आ रहा होगा, या आपके ब्रदर या बेटे या जो भी है तो उनका फोटो यहाँ पे आ रहा होगा, या उन्होंने जो भी डाला हुआ होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। साइन इन या कोई और लिखा हुआ यहाँ पे नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो अब आप मेरे को सब्सक्राइब कर चुके हैं, देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि मेरी ये वीडियो है, आप इसको देख रहे हैं, तो देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और देखिए हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए सब्सक्राइब वाला जो बटन था वो डिसेबल हो गया है। पहले ये रेड कलर में आ रहा था, अब ये डिसेबल हो गया है। तो इसका मतलब अब जब भी मेरी नई वीडियोस आएंगी तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है कि आपको मेरी सारी वीडियोस को देखना है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि ये तो नई जगह पे आ गए, वापस यहाँ पे सारी वीडियो नहीं है, तो आप ये मेरा चैनल है, आप जिसकी भी वीडियो देखते हैं उसके यहाँ से तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको खबर मिलती रहे और कि जब भी नई वीडियो आई है। और यहाँ ये जो फोटोज दिखाई देता है, जिसका भी कोई भी फोटो हो सकता है, उस पर आप क्लिक करें तो आप पूरे चैनल के अंदर वापस पहुंच जाएंगे और वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकेंगे। अभी देख सकते हैं आप, आपके सामने खुलने वाला है, ये देखिए मेरा चैनल खुल के आ चुका है और यहाँ से आप फिर वही मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको और कमेंट डालना और मेरी कौन सी वीडियो को पहले देखना है, किस प्रकार से देखना है, उसको भी बताने जा रही हूँ। वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू। और आप सब्सक्राइब करना सीख चुके हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।